गांव पालकवाह के सुनने व बोलने में असमर्थ अमृतलाल पुत्र जयमल सिंह का ENT व कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर KR आर्य ने बुधवार को कान का फ्री माइनर ऑपरेशन किया। नेशनल हाईवे पर स्थित आर्य ENT अस्पताल में बुधवार को डॉक्टर KR आर्य ने सुनने व बोलने में असमर्थ अमृतलाल के कान का ऑपरेशन किया। बता दें, डॉक्टर KR आर्य ने एक हफ्ते में 2 ऑपरेशन किए हैं। डायरेक्टर डॉक्टर शकुंतला आर्य ने बताया, डॉक्टर आर्य पहले भी ऐसे कई भलाई के काम करते रहते हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि मानवता की सेवा करें। हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास महासभा जिला इकाई ऊना के अध्यक्ष नरेश कुमार अधिवक्ता ने बताया, अमृतलाल के परिवार ने हमसे बात की तो हमने डॉक्टर आर्य से बात की और डॉक्टर आर्य ने हमें आश्वासन दिया कि वह अमृतलाल का फ्री इलाज करेंगे। संजीव कुमार ने बताया, हमें डॉक्टर आर्य का पता सोशल मीडिया से चला है कि मेहतपुर में कानों के डॉक्टर हैं और हम इनके पास आए। इन्होंने इनके ताया जी का फ्री इलाज शुरू कर दिया। हम डॉक्टर आर्य व महासभा के अध्यक्ष नरेश कुमार का धन्यवाद करते हैं। और ये 40 साल की उम्र है, एक हफ्ते पहले मेरे पास आए थे तो मैंने इनको देखा, तो डिटेक्ट किया कि यार ये तो इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन भी जो है एक कैंसर जैसा पूरा मास बढ़ा हुआ है इसका, कान का पूरा कान का जो पिन्ना होता है हमारा भारी हिस्सा उसके ऊपर। तो आज मैंने ट्राइम किया था कि आज इसके टेस्ट वेस्ट कराएँ, आज ब्लड के टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद इसका हमने ऑपरेशन किया अंदर से पूरा, क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम तक अगर इन्फेक्शन है तो कीड़े पड़ने के चांसेस होते हैं। इसमें से हमने पूरा का पूरा ये सारा निकाल दिया और इसका भी हमने सेम बायोप्सी निकाल करके जांच के लिए भेज दिए कि अगर कैंसर है तो कौन सी स्टेज में है। उसके बाद उस हिसाब से फिलहाल हमने उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जो कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इससे कोई चार्ज नहीं कर रहा। और आगे फर्दर भी जो भी होगा हम पूरी इसी का देते हैं। गणेश जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने पहले बताया था कि ऐसे ऐसे करके हमारे इलाके में ये है, इस तरह का पेशेंट अगर मैंने इनको बोला आ जाइए ले आइए और हम इसकी मदद करेंगे। गले भी हम ऑलरेडी जो है परिवर्तन की मदद कर चुके हैं, जैसे कालीबाग से है उसको भी गले का कैंसर था। हम तो चाहते हैं कि इस तरह के जो मरीज हैं, जो गरीब हैं और जो सीरियस कंडीशन में है, तो उसके हम मदद करें। मतलब फ्री उसको मतलब ट्रीटमेंट किया, पहले भी हम ऐसे मतलब काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वैसे भी फ्री में मतलब सेवा कर रहे हैं। इसकी कंडीशन इतनी खराब थी, पुअर घर से है, गरीब घर से है, तो लगा कि इसको नहीं फ्री ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये वैसे भी हमारी मानवता का ही मतलब एक हिस्सा है कि हम गरीबों की मदद करें। जो आया है हमारे पास उसका अच्छे से इलाज हो और हम उसे ठीक करके हम भेजें। और जितनी हमारी कोशिश है कि मतलब जल्दी से जल्दी ये ठीक हो, अच्छी अच्छी दवाइयाँ इसको दी जाए, अच्छा अच्छा इसको ट्रीटमेंट हो, इंजेक्शन अच्छे लगे, इससे ये जल्दी ठीक होकर अपने घर में वापस जाए। अमृतलाल के बारे में 4-5 दिन पहले मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर वो पालकवा से है तो उसका जो भी इलाज हो सकता है, तो वैसे पहले भी आपने वो किया है इलाज, तो उसको भी गुंगा बहरा मेरे ख्याल इसको सुनाई भी नहीं देता ना बोल सकता। तो मैं तो डॉक्टर साहब पहले भी मानवता के काम करते आ रहे हैं, तो हमारी डिस्कस भी हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट भी की, तो डॉक्टर साहब ने उस रिक्वेस्ट का पूरा माना और आज फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज किया। ये पालकवा से बिलोंग करता है, ये हमारे ताया जी है। हमारे तालीबान से हमारे को पता चला कि डॉक्टर आर्य जी कई गरीबों को मदद करते हैं, उन्होंने हमारा भी ताया जी को फ्री इलाज दिया है, जो भी अभी तक दिया फ्री इलाज दिया है। हमारे को तालीबान से पता चला था उन्होंने किसी का ऑपरेशन फ्री किया था, तो हम उनके पास लेकर आए अपने ताया जी को ट्रीटमेंट। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए मेहतपुर से सुलिंद्र चोपड़ा के साथ नवीन हंस।